विधायक और सीएमओ ने कोरोना वैक्सीनेशन का किया उद्घाटन। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोटा हल्दू में आज कोरोना वायरस का टीकाकरण शुरू हो गया है। इससे पूर्व आज सीएमओ भगीरथी जोशी व क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका ने संयुक्त रूप से रिबन काट का शुभारंभ किया, जिसके बाद स्वास्थ्य केंद्र में बने टीकाकरण कक्ष में पहला टीका कोविड-19 ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हरीश चंद्र पांडे को लगाया गया। आज कोरोना वैक्सीनेशन के पहले दिन ही 100 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वायरस का टीका लगाया गया है। इस दौरान सीएमओ भगीरथी जोशी ने कहा कि पूर्व में बेस हॉस्पिटल और महिला चिकित्सालय में कोविड-19 वैक्सीनेशन का उद्घाटन किया जा चुका है। इसी के तहत आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोटा हल्दू में कोरोना वायरस को मात देने के लिए वैक्सीनेशन का उद्घाटन किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन से लोगों की भ्रांतियां दूर होंगी और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हेल्थ केयर वर्कर ने फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में कार्य किया है, जिससे उनको टीकाकरण लगना आवश्यक है। राष्ट्र के कुशल नेतृत्व और वैज्ञानिकों की बहुत मेहनत के बाद ये वैक्सीनेशन का सीरम बना और ये चलते चलते वहाँ से आज मोटा हल्दू इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुँचा। यहाँ पर इसके टीके की शुरुआत अभी हो रही है। मैं इसके लिए चिकित्सा विभाग के सभी लोगों को, प्रशासन के सभी लोगों को और राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, वैज्ञानिकों का धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस वैक्सीनेशन के बाद यह प्रक्रिया निरंतर चलेगी, इसमें जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर होंगी। क्योंकि वैक्सीन लगा करके अभी अपना वक्तव्य दिया और मैं समझता हूँ कि इसके बाद किसी प्रकार की भ्रांति नहीं रहेगी। यह मोटा हल्दू का जो स्वास्थ्य केंद्र है, यह कोरोना पीरियड में भी बहुत अच्छा इसने काम किया। इसकी प्रशंसा जो लोग यहाँ चिकित्सा के लिए आए उन सब लोगों ने बाहर जा करके की। इसके लिए इस क्षेत्र के, इस चिकित्सालय के सम्मानित चिकित्सक और सभी कर्मचारी, उनके सहयोगी भी बधाई के पात्र हैं। उम्मीद करते हैं इस वैक्सीनेशन से कोरोना की चेन टूटेगी और देश इससे मुक्त होगा। धन्यवाद। शुरुआत हो रही है। इससे पहले हम महिला चिकित्सालय हल्द्वानी सुशला तिवारी में ऑलरेडी चल रहा है, नैनीताल में हो चुका है, तो आप धीरे धीरे करके इस बेल्ट को भी हम ले रहे हैं। तो वैक्सीनेशन के तहत यहाँ आई हूँ मैं कि लोगों को मोटिवेशन हो। मैंने खुद वैक्सीन लगवाई है। मैं ये संदेश देना यहाँ हेल्थ केयर वर्कर को चाह रही हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होती है और मैं अपना काम सुचारू रूप से कर रही हूँ। अधिक से अधिक लोग वैक्सीन लगवाएं, ये बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है। दुख आएगी क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर ही हैं जिनको पहले टीका लग रहा है और समाज में ये संदेश जरूर जाएगा कि जब टीकाकरण कर्मी स्वयं ही टीका लगा रहे हैं तो ये बिल्कुल सुरक्षित है। संदेश देना चाहूँगी कि जब बारी आएगी आपकी, आप ज़रूर टीका लगवाएं और टीका लगने के बाद भी आप जो है कोरोना अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसका ज़रूर पालन करें। मास्क आप लगाए रखें, हाथों को धोना, 2 गज की दूरी, ये सारे मानक हमें फिर भी पूरे करने चाहिए।